बेटा घर में रिश्ता आया हुआ है, जाहिर है वो लोग दोबारा आएंगे, पूछेंगे, जवाब मांगेंगे, इसके मशवरे के लिए बुलाया है तुम्हें। मैं नहीं चाहता कि हफ्सा का रिश्ता। मगर क्यों बेटा, लड़का तो बहुत अच्छा, नेक और शरीफ है। और हफ्सा शादी के बाद ठीक हो जाएगी, मोहब्बत में बहुत असर होता है। इस घर में उसे किसी की मोहब्बत का असर हुआ था? कौन है ऐसा जैसी वो है? हद से ज्यादा बददिमाग, हद से ज्यादा बदतमीज। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हफ्सा तुम्हें इतनी बुरी लगती है। किसी अच्छे घर में उसे बसता देख नहीं सकते तुम। अगर वो दानिया की तरह अच्छी और सुलझी भी होती तो मैं खुद भी चाहता कि वो किसी अच्छे घर में जाके बसे, लेकिन वो इतनी बदजबान है कि उसका कहीं भी गुजारा नामुमकिन है। तो क्या किसी अंधे बहरे से ब्याह दें उसे? आप लोगों का जो दिल चाहे वो करें, मैं हफ्सा के मामले में पड़ना नहीं चाहता। मैं यहाँ दानिया की शादी के लिए रुका हुआ था, अल्लाह का शुक्र है सब अच्छे से हो गया, अब हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। यानी इस घर की जिम्मेदारियों से निजात चाहते हो? नहीं अब्बू, सिर्फ हफ्सा के मामले में पढ़ना नहीं चाहता, आप लोग का जो दिल में आए वो करें। और वैसे भी हफ्सा जाने और हैदर जाने, प्लीज आइंदा मुझसे इस बारे में कोई मशवरा ना लीजिएगा। सिर्फ अपनी बीवी की जबान बोल रहा है, दुश्मन बना हुआ है हफ्सा का। फिर तो मिनहल भी कभी नहीं चाहेगी कि हफ्सा का रिश्ता हो, क्योंकि हैदर तो उसके बाप के दफ्तर में जॉब कर रहा है, वो तो उसे मना भी कर सकती है और रोक भी सकती है। दुनिया की कोई भी ताकत हैदर को नहीं रोक सकती अगर वो खुद हफ्सा को अपनाना चाहे तो। Assalamualaikum everybody, this is Hajra Yameen. Please do like AirY Digital's page on Facebook and subscribe to their YouTube channel as well.